नमस्कार, कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे और आपके बच्चे खूब लायक निकले और आपका ध्यान रखें। आज हम बात करने के लिए आए हैं मेन गेट की। ऐसा हम क्या करें कि हमारे घर में जो भी धन आए, जो भी इंसान आए, वो पॉजिटिव होकर के आए। हमारे घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वो हमेशा के लिए बाहर निकल जाएँ। एक है ना, आपने एक भजन सुना होगा, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो राम जी कब आएंगे? जब हम अपने मेन गेट को साफ सुथरा रखेंगे। आपने देखा होगा पहले समय के अंदर, गांव के अंदर जो घर की जो महिलाएं होती थीं वो गोबर से लेपती थीं, अपने घर को लेपती थीं और सुबह उठते के साथ ही पानी जो है गेट पर गिराती थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये होता है कि जब हम सुबह उठ कर के पानी को अपने मेन गेट के ऊपर गिराते हैं या सफाई करते हैं, एक मन के अंदर ये होता है कि लक्ष्मी जी आज हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो उन जो महिलाएं गोबर से लेपती थी, पानी गिराती थी, तो इसका मतलब क्या था कि हमारे घर के अंदर, उनके घर के अंदर सुख शांति आए, धन आए। आपने देखा होगा पहले के समय में धन ना भी होता था लेकिन उनके घर के अंदर सुख शांति होती थी। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने के लिए आई हूँ, उपाय भी बोल सकते हैं और एक तरीका भी मैं बता सकती हूँ, कह सकते हैं हम उसको। उसमें क्या है कि वो रामवाण की तरह आपके घर में काम करेगा। आपने लगातार अगर 21 दिन ये काम कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, आपके घर के अंदर एक सुख शांति, और जो बच्चे नहीं मानते थे आपका कहना वो भी मानना शुरू कर देंगे। तो आपने करना क्या है, ये काम घर की महिलाओं ने करना है। अगर आप जल्दी नहीं नहा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपने सुबह उठ करके क्या करना है, मेन गेट के ऊपर पानी का एक लोटा या ग्लास लेना है और उस पानी को आपने अपने मेन गेट से पानी की धार बनानी है। तीन तीन बार आपने पानी को इस तरीके से, जैसे लक्ष्मण रेखा खींचती है, इसी तरीके से आपने 1, 2 और 3, जिस समय आप पानी अपने मेन गेट के ऊपर गिरा रही हैं उस पीरियड के अंदर आपने मन के अंदर ये भाव रखना है कि ये पानी जो है, जैसे मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींची है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे महाभगवती, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर के अंदर प्रवेश करें, मैं आपका आगमन करती हूँ और मेरे घर के जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, वो सारी की सारी आप यहाँ से ख़त्म करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं मेरे घर से बाहर जाएं, जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, वो मेरे घर के अंदर प्रवेश करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।